तो फ्रेंड्स, अगर आपने कम बैक किया है 2 साल बाद 3 साल बाद जिम का, या फिर आप नए नए जिम जा रहे हो बिगनर, तो बेसिक में ध्यान जरूर दें। पुशअप मारने के बाद पुलअप की भी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अगर नहीं लग रहे पुलअप तो आप सपोर्ट ले लो किसी का, लेकिन पुलअप की प्रैक्टिस जरूर करो। और आप बैक की एक्सरसाइज के बाद अगर डेडलिफ्ट मार रहे हो तो मशीन में करें, फ्री रोड से ना करें, शुरू में मशीन से प्रैक्टिस करें आप, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कम बैक कर रहा हूँ 2 साल के बाद। कोर को स्ट्रॉन्ग करते हुए नीचे लेके जाना है और ऊपर आके सांस छोड़नी है, सांस भर के नीचे और ऊपर आके सांस छोड़नी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आज मैं आपको शोल्डर की बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले डंबल को आप इस तरह से पकड़ लो, अंगूठा आपको ऊपर की साइड रहेगा, इस तरह से आपको डंबल पकड़ना है, लाइट वेट लेना और आपको 10 सेकंड होल्ड करना है कम से कम। लाइट वेट से करें, रेपिटेशन भी ज़्यादा ना खींचे, रेपिटेशन ले आप 10 से 12 रैप ले स्लो मोशन में। बहुत बढ़िया फ्रंट राइज एक्सरसाइज है ये शोल्डर की, मज़ा आ जाएगा करोगे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। आज मैं आपको बार पुशअप सिखाने वाला हूँ। चेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बेहतरीन एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा यार। जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं की वो इस तरह से कर सकता है प्रैक्टिस। इस तरह से आपको 2 फुट की कोई भी टेबल या कुर्सी ले लेनी है, पंजा रखना है और दूसरा पैर हवा में रहेगा इस तरह से, और आप पूरा पैर नीचे टच करेंगे जो हवा में है, पूरा टच करके ऊपर आएंगे इस तरह से पंजे का सहारा लेते हुए, जो पैर हमारा टेबल या कुर्सी पे लगा होगा। और इसमें मेरे हाथ की कोहनी का मूवमेंट देखे आप, पूरी स्ट्रेट नहीं होगी आपके हाथ की कोहनी, इसका ध्यान रखना। हाँ जी, तो पुलअप नहीं हो रहे आपसे भी, तो आओ मैं सिखाता हूँ यार। कभी अगर लाइफ में पुलअप नहीं मारे, आप नए हो, बिगनर हो, तो 2 फुट तक की कोई भी आप टेबल कुर्सी या बेंच ले लो। मुझे ये मिली तो मैंने ये ले ली। आप ध्यान से देखना, मैंने अपना एक लेग एक पैर इसके ऊपर रखा है पंजे के सहारे, ध्यान से देख लेना वीडियो, बहुत काम की है। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिसे पुलअप नहीं लगते, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। बस इस तरह से आपको पुलअप करने हैं 8 से 10 रैप, पावर लगाकर पैर की पावर लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से देख लो, बहुत मज़ा आ जाएगा, पुलअप की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से पंजा रखना है आप देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरों को देख के कभी भी अपना माथा मत फोड़ो कि वो तवे उठा रहा है मैं भी उठा लूँ, भाई इंजरी हो जाएगी तो पड़े रहोगे, और माथा भी खुद के ही है, फूटेगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। डीप स्क्वाट मारने की कोशिश करो, डीप स्क्वाट ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखो कि मैं सिस्टम से वेट उठा रहा हूँ, सिस्टम से, पागलों की तरह नहीं। डोंट लिफ्ट योर ईगो, अपनी अकड़ अपने पिछवाड़े में घुसा लो। क्यों जी, बढ़िया प्रोटीन को दही में मिला और खाओ, मजा आ जाएगा। कभी कभी दही में भी खाना चाहिए यार, बहुत टेस्टी लगता है, यमी। सिखाता हूँ आज बाइसेप की मस्त एक्सरसाइज, आर्म ब्लास्ट हो जाएगा भाई। तो ये देखिए बिगनर है, गलत मूवमेंट मार रहे हैं, तो इनको मैंने देखा और इनको मना किया कि नहीं यार ये मूवमेंट नहीं है। अब आप मूवमेंट सीखे ढंग से, इस तरह से आपको प्लेट लगानी है, हैवी नहीं लगानी, एक प्लेट से शुरू करना है, चेस्ट अप रख के बॉडी थोड़ी आगे, बाइसेप का जो पार्ट है वो हल्का पीछे ही रहेगा, उसको आगे नहीं लाना, उसको स्टेबल रखना है बाइसेप के पार्ट को, और फोरआर्म मूवमेंट करेगा पूरा, ऊपर स्क्वीज करेंगे स्लो नीचे जाएंगे, पूरा स्क्वीज बाइसेप को और स्लो नीचे। इसके आपको 3 सेट करनी है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा, फुल पंप आएगा बाइसेप में, ट्राई जरूर करके देखना। जो भी बिगनर्स हैं, नए हैं या मीडिएटर है, एक बार जरूर ट्राई करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨੀ ਪਿੱਠ ਨੀ ਸਾਡੇ ਰਸ